नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से मंत्री बने नितिन नवीन ने आज अपने विभाग पथ निर्माण विभाग का कार्यभार संभाला है। आप साफ तौर पे तस्वीर में देखिए कि किस तरह से जब मंत्री नितिन नवीन अपने विभाग पहुंचते हैं तो वहां पर पहले से ही एक दर्जन से जो ज़्यादा पंडित हैं वो मौजूद रहते हैं। और वो सबसे पहले पंडितों ने वहाँ पर जो पंडित पहले से मौजूद थे उन्होंने सबसे पहले मंत्र उच्चारण किया, उसके बाद मंत्री नितिन नवीन ने अपना पदभार ग्रहण किया है। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए कि किस तरह से पथ निर्माण विभाग पूरे तरीके से मंत्र उच्चारण के साथ गूंज उठा है। तो आपने देखा साफ तौर पे मंत्री नितिन नवीन आज अपने विभाग पथ निर्माण विभाग जब पहुंचते हैं अपना पद ग्रहण करते हैं तो उससे पहले पंडितों ने पूजा अर्चना की, उसके बाद ही जो मंत्री नितिन नवीन है उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि नितिन नवीन जब भी कोई भी शुभ काम करते हैं उससे पहले पटना के लगभग हर एक मंदिर में दर्शन करते हैं, अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। इसी तर्ज पर आज जब वो मंत्री बने हैं तो वो अपने विभाग भी पहुँचते हैं और अपने से जितने भी बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद मंत्री की कुर्सी पे बैठते हैं और बैठने के पहले मंत्री की कुर्सी को भी नमन करते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि ये मेरे पिता का ही देन है कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा है, उन्हीं का आशीर्वाद है तब इस बदौलत पहुंचा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बाकी पूर्व जनता की सेवा मैं पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ था, ऐसे में पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको मैं अच्छे तरीके से निभाऊंगा। तो आपने साफ तौर पे तस्वीर में देखा कि किस तरह से मंत्री नितिन नवीन जब अपने विभाग पथ निर्माण विभाग पहुँचते हैं पद ग्रहण करने, उससे पहले पंडितों के द्वारा वहाँ पर मंत्र उच्चारण किया जाता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।